खरसिया की सियासी खासियत, क्या बीजेपी ढहा पाएगी कांग्रेस का किला, या साहब शुरू करेंगे सियासी पारी, या जनता पटेल को बनाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ की खरसिया विधानसभा सीट कांग्रेस का एक ऐसा किला है जिसे बीजेपी लाख कोशिश के बाद भी नहीं ढहा पाई। प्रदेश की स्थापना से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में भी खरसिया में कभी कमल नहीं खिला। इतना ही नहीं, बीजेपी के संस्थापक सदस्य माने जाने वाले सुंदरलाल पटवा, लखीराम अग्रवाल और कुशाभाऊ ठाकरे की कोशिशें भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाई। और जशपुर राजघराने के दिलीप सिंह जूदेव यहाँ 1988 में चुनाव हार गए थे। फिलहाल ये सीट आजकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि साहब से सियासतदान बने रायपुर के पूर्व कलेक्टर रहे आईएएस ओपी चौधरी के खरसिया से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। आइए आपको दिखाते हैं खरसिया की सियासी खासियत। 1977 में अस्तित्व में आई खरसिया विधानसभा सीट बीजेपी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले लखीराम अग्रवाल का प्रमुख गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद खरसिया में कभी कमल नहीं खिला। 1977 से 1988 तक कांग्रेस के लक्ष्मी प्रसाद पटेल इस सीट से विधायक रहे। 1988 में लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह के लिए यह सीट खाली की। 1988 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने इस सीट से चुनाव लड़ा। अर्जुन सिंह ने जशपुर राजघराने के दिलीप सिंह जूदेव को उन्हीं के गढ़ में मात दी। 1990 से लेकर 2013 तक कांग्रेस के नंद कुमार पटेल इस सीट से विधायक रहे। नंद कुमार पटेल 23 साल इस सीट से विधायक रहे। साल 2013 में झीरम घाटी नक्सली हमले में नंद कुमार पटेल की हत्या कर दी गई और नंद कुमार के बेटे उमेश पटेल ने चुनाव लड़ा। उमेश पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी को बड़े अंतर से हरा दिया। अगर बात करें पिछले दो चुनाव की, तो 2008 के चुनाव में नंद कुमार पटेल को जहां 81,497 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी के लक्ष्मी देवी पटेल को 48,069 वोट मिले। इस तरह जीत का आंकड़ा 33,428 था। 2013 के अगर नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस उम्मीदवार उमेश पटेल को 95,470 वोट मिले, वहीं बीजेपी उम्मीदवार जवाहर नायक को 56,582 वोट मिले। इस तरह जीत का आंकड़ा 38,888 था। इस विधानसभा में कुल 280 मतदान केंद्र है, जिसमें 2,99,045 मतदाता हैं और सर्वाधिक मतदाता 20 से 30 साल की उम्र के बीच है। खरसिया के जातिगत समीकरण की बात करें, पिछड़ा दलित बाहुल्य खरसिया विधानसभा सीट जातिगत समीकरणों के आधार पर बिस्ती है। यहाँ पर सियासी विसाद, अघरिया कोलता समाज की यहाँ आबादी 20% से ज़्यादा है, वहीं साहू समाज के भी मतदाता इतने ही करीब 20% हैं। तीन चुनावों से बीजेपी ने अघरिया समाज से ही अपना प्रत्याशी उतारा और इस बार पूर्व आईएएस और रायपुर कलेक्टर रहे ओपी चौधरी भी अघरिया समाज से आते हैं और बीजेपी ओपी चौधरी पर अपना इस बार दाव खेल सकती है। तो कुल मिलाकर जातिगत समीकरण के जरिए इस किले को ढहाने के लिए बीजेपी रायपुर कलेक्टर रहे ओपी चौधरी को मैदान में उतार सकती है। चौधरी फिलहाल इस क्षेत्र में काफ़ी नज़र आ रहे हैं। इधर जोगी की पार्टी के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी भी मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। अब बात करें मुद्दों की, तो विधायक उमेश पटेल का दावा है कि जनता की ज़रूरतों के मुताबिक उन्होंने काम किया। किसानों के साथ सड़क पर उतर कर लड़ाइयाँ लड़ी। रेल कॉरिडोर में सरकार के छल पर लगाम लगाने के लिए वे लगातार इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ते रहे। बुनियादी विकास कार्यों पर पूरा ध्यान दिया गया और मतदाताओं से सतत जनसंपर्क भी किया गया। बीजेपी का आरोप है कि भाजपा सरकार की योजनाओं से जनता को राहत मिली है। विधायक का क्षेत्र में खराब सड़कों पर ध्यान नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस को अपने गढ़ खरसिया में एक बार फिर जीत का भरोसा है। इधर बीजेपी कलेक्टर से नेता बने ओपी चौधरी के दम पर इस बार यहां कमल खिलाने की उम्मीद कर रही है। यहां तीसरा फैक्टर है अजीत जोगी। अगर जोगी यहां पर कोई बड़ा ट्रंप कार्ड खेलते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। खैर, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो जनता को ही तय करना है, पर साहब से सियासत में आए ओपी चौधरी और जोगी की एंट्री ने कांग्रेस के इस गढ़ में मुकाबला रोचक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।